हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएनसी गुरु महेंद्र वर्मा। और मैं महेंद्र वर्मा हमेशा की तरह आज फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। तो ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को भी ज्वाइन करें ताकि कोई भी नया आने वाला वीडियो सबसे पहले जानकारी आप लोगों तक जो है वो पहुँच जाए। तो दोस्तों आज जो है मैं आप लोगों को टूल होल्डर के बारे में बताने वाला हूँ, टूल होल्डर का डिस्क्रिप्शन बताने वाला हूँ, क्लैंपिंग सिस्टम बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हमारे सीएनसी मशीन के अंदर जो हम लोग टूल होल्डर यूज़ करते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन क्या होता है, तो कौन कौन से क्लंपिंग मेथड के जो है वो टूल होल्डर होते हैं। तो सभी टूल होल्डर और मैंने बोरिंग बार यहां पे जो है वो मैंने रखे हुए हैं। और यहां पे मैंने जो एलन की का यूज़ हम लोग करते हैं इंसर्ट को ओपन करने के लिए, तो वो भी मैंने यहाँ पर एलन कीज़ रखी हुई है। और यहाँ पर जो है वो एक स्टार वाली की रखी हुई है। और इसके अंदर जो भी टूल होल्डर्स और बोरिंग बार है, यहाँ पर ये एक दो तीन और ये तीन हमारे बोरिंग बार है, ये हमारा जो है वो ग्रूविंग टूल है और ये हमारे टूल होल्डर्स हैं। ठीक है, तो इसके अंदर पूरा का पूरा सबसे सिस्टम मैं आपको पहले टूल होल्डर से शुरुआत करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास में एक ये जो है वो VTJNR, यहाँ पर आपने एक नंबर देख रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है VTJNR 2525M16। तो ये इस टूल होल्डर का पूरा डिस्क्रिप्शन है। तो इसके ऊपर मैं एक पहले भी वीडियो बना चुका हूँ तो आपको मैं आज दोबारा बताता हूँ, प्रैक्टिकली आप लोग समझ जाएंगे। वी जो होता है पहला अक्षर का मतलब होता है यहाँ पर कि इसके ऊपर जो क्लैंपिंग सिस्टम है वो कौन सा क्लैंपिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर जो क्लैंपिंग सिस्टम लगा हुआ है वो वी क्लैंपिंग सिस्टम लगा हुआ है। मैं ये क्लैंपिंग सिस्टम आपको पूरा खोल करके भी बताऊँगा। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ टी, इसका मतलब है टी। तो यहाँ पर टी जो है, टी का मतलब ये है कि इसके अंदर जो इंसर्ट लगेगा वो यहाँ पे जो है वो टी शेप का इंसर्ट लगेगा, ट्रेंगुलर। यहाँ पे आप देख रहे हो तो इसके अंदर जो इंसर्ट लगा हुआ है वो टी शेप का इंसर्ट यहाँ पे लगा हुआ है। जे के अंदर इसका होल्डर स्टाइल एंगल जो यहाँ पे दे रखा है, ये होल्डर का कितना एंगल है, स्टाइल एंगल कितना है, वो एक आपको कैटलॉग में इसको देखना पड़ेगा। इसका चार्ट आता है, उस चार्ट में आपको पूरा जो है वो देखना होगा। एन का मतलब ये है कि इसके अंदर जो इंसर्ट जो यूज़ होगा वो आपका जो है वो उसका 0° क्लियरेंस एंगल वाला जो है वो नेगेटिव इंसर्ट जो है वो इसमें यूज़ होगा। ठीक है, तो उसके साथ में क्या हो रहा है, 25-25 मतलब इसका जो साइज है, ये आपकी जो शेंक है वो उसका साइज 25 और 25 का है। ठीक है, शेंक की हाइट और आपका जो विड्थ है वो जो है वो 25 का है। ओके, और उसके बाद में एम के अंदर जो है वो इसकी हमें जो लंबाई दी जाती है, एम जो कोड है, इस एम के अंदर इसकी लंबाई दी जाएगी, वो हमें कैटलॉग में देखना होगा। इसका चार्ट आता है तो उसके अंदर इसकी टूल होल्डर की पूरी लंबाई कितनी है वो हमें पता चल जाएगा एमएम के अंदर। और ये जो 16 लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि इंसर्ट एज कटिंग लेंथ कितने एमएम का जो है इंसर्ट हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो यूज़ किया है। तो ये हमारा जो टूल होल्डर है, ठीक है। और उसके बाद में ये लास्ट में लिखा हुआ है आर, तो ये इसका मतलब है कि राइट हैंड टूल है। ये मतलब आपका टूल लेफ्ट साइड से मेटेरियल को काटता हुआ राइट हैंड की ओर जाएगा, तो ये राइट हैंड टूल है। यहाँ पर मैंने जो है वो दो मेरे पास में यहाँ पे राइट हैंड टूल है, ये मेरे पास में एक लेफ्ट हैंड टूल है और ये मेरे पास में एक ग्रूविंग रेडियस ग्रूविंग वाला टूल है। इनके अंदर जो क्लैंपिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है, क्लैंपिंग सिस्टम मैं आपको बताता हूँ। इंसर्ट को क्लैंप करने के लिए जो है वो क्लैंपिंग सिस्टम का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पर मेरे पास में एक टूल होल्डर है, इसको मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाता हूँ कि क्लैंपिंग सिस्टम क्या होता है। जहाँ पर हम लोग इंसर्ट को टाइट करते हैं उसी के ऊपर जो क्लैंप करने के लिए जो सिस्टम लगा होता है उसको क्लैंपिंग सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ से एलन की के द्वारा इसको जो है हम लोग इस प्रकार से ओपन करेंगे। ठीक है, जैसे इस प्रकार से ये हमारा क्या है, ये बिल्कुल ओपन हो गया। तो इसके अंदर जो पार्ट होते हैं वो कौन कौन से पार्ट होते हैं ये मैं आप लोगों को पूरा एकदम बिल्कुल डिटेल के साथ में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इसके अंदर देखिए, सबसे पहले तो ये एक एलन बोल्ट होता है, ये जो है ये एक एलन बोल्ट है। ठीक है, और यहाँ पर एक ये आपका एक क्लैंप होता है, ये वी क्लैंप होता है, तो ये एक आपका एक क्लैंप है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक जो है वो कुछ एसेसरी और भी लगी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो एसेसरी लगी है वो वाली एसेसरी जो है ये आपकी, यहाँ पर एक इंसर्ट का एक सिम लगा हुआ है, मतलब इंसर्ट को सपोर्ट करने के लिए एक सिम लगा हुआ है। और इसके अंदर जो है एक पिन लगी हुई है। तो मैं आपको यहाँ पे इसको ओपन करके दिखाता हूँ कि इसको भी आप लोगों को जो है वो समझना है आपको अच्छी तरह से कि ये इसका डिस्क्रिप्शन क्या होता है। ये पूरा का पूरा आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि एक टूल होल्डर के अंदर कितनी सारी एसेसरी जो है वो होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, ये एक पिन है। तो यहाँ पर ये जो पिन है इसके अंदर यहाँ से जो है वो नीचे से जो है इसके थ्रेड कटे हुए हैं, और ये वाला जो पिन होता है, ये वाला भाग जो होता है, ये इस आपकी सिम के अंदर जो है वो इस प्रकार से ये चला जाता है।
तो ये आपका क्लैंपिंग मेथड होता है। तो क्लैंपिंग मेथड को भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका जो इंसर्ट है वो टूल होल्डर के अंदर किस प्रकार से जो है वो क्लैंप किया गया है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर मेरे पास में एक टूल होल्डर है, यहाँ पर देखो इसके ये ग्रूविंग का एक टूल होल्डर है, इसके अंदर जो इंसर्ट ओपन होगा वो ओनली फॉर इस स्क्रू को ओपन, जैसे ही मैं करूँगा तो तुरंत जो है ये हमारा इंसर्ट जो है वो बाहर की ओर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसके अंदर जो ये एलन की लगेगी, इस प्रकार से मैंने इसकी एलन को एलन की को मैंने इसके अंदर जैसे मैंने यहाँ पर लगाया और तो तुरंत हमारा जो इंसर्ट है वो हमारा बिल्कुल जो है वो ओपन हो जाएगा और इसको हम लोग आसानी से इंसर्ट को जो है वो खोल सकते हैं। तो जिस जो इंसर्ट आपका ओनली फॉर स्क्रू के द्वारा खुलता हो वो उसके अंदर जो है वो आपका एस क्लैंपिंग मेथड होता है। तो यहाँ से ये हमने नट इसका खोल लिया है आराम से और ये हमारा जो इंसर्ट है ये हमारा बाहर निकल गया है। तो ओनली फॉर ये जो इंसर्ट था ये सिर्फ स्क्रू के द्वारा जो है वो टाइट किया गया था, ठीक है। तो जैसे ये स्क्रू के द्वारा ये एस टाइप क्लैंपिंग मेथड हो गया, ठीक है। उसके बाद में मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर ये वाला जो क्लैंपिंग मेथड इस इंसर्ट के अंदर दिया गया है, यह जो क्लैंपिंग मेथड है इसको डबल क्लैंपिंग मेथड बोलते हैं। इसके अंदर जो है वो आपका ये एक एलन बोल्ट दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर इंसर्ट आपका लगा हुआ है और इसके अंदर जो है वो आपका ये इंसर्ट को सपोर्ट करने के लिए एक यहाँ पे सिम भी लगा हुआ है। तो ये डबल क्लैंपिंग मेथड है, ठीक है। और उसके साथ में यहाँ पर आप देख रहे हो बोरिंग बार यहाँ पे दिया गया है, तो इस बोरिंग बार के अंदर देख रहे हो आप यहाँ पर ये स्क्रू लगा हुआ है ओनली फॉर, इसके अंदर कोई भी सिम नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी सिम जो है वो नहीं दिया गया है, कोई भी सिम नहीं है इसके अंदर, सिर्फ स्क्रू के द्वारा जो है वो ये आपका इंसर्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है वो क्लैंपिंग मेथड जो है वो यूज़ हम लोग करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक छोटा बोरिंग बार है, इसके अंदर ये जो CCMT इंसर्ट जो है वो लगा हुआ है, ओके। और ये भी जो है वो आपके इस स्क्रू के द्वारा जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाता हूँ कि ये जो है वो किस प्रकार से ओपन होगा। तो सिर्फ हम लोग जो है क्या करेंगे, इंसर्ट के अंदर इस स्क्रू को जो है वो ओपन करेंगे और आपका इंसर्ट जो है वो बाहर आ जाएगा। तो आप देखेंगे बड़े ध्यान से कि इसके अंदर कोई और जो है वो एसेसरी नहीं लगी है और इसके अंदर सिर्फ आपका जो है वो एक बोल्ट, ये जो स्क्रू वाला जो लगा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका इसका एक स्क्रू है और ये एक छोटा सा इसके अंदर जो है वो इंसर्ट है। तो ये आपका CCMT इंसर्ट है और ये ओनली फॉर जो है वो एस क्लैंपिंग मेथड, जैसे मान लो स्क्रू से जो क्लैंप किए जाते हैं उससे जो है वो ये क्लैंप किया गया है, ठीक है। तो आपको जो है वो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि एलन कीज जो होती है, जैसे हम लोग कंपनी के अंदर जब भी हमारे कोई भी टूल होल्डर का हम लोगों को कोई भी अगर हम लोगों को अगर ओपन करना होता है, यहाँ पर स्क्रू ओपन करना होता है, इंसर्ट को चेंज करना होता है, तो यहाँ पर हम लोग एलन की का यूज़ करते हैं या फिर हम लोग स्टार वाली की का यूज़ करते हैं। तो जैसे हम लोग एलन की के जो बॉक्स के अंदर है 1 mm से लेकर के 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, इस प्रकार की एलन कीज 10 mm तक इसके अंदर है। तो इसके अंदर जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम लोग कहते हैं कि 1 की एलन की, 2 की 3 की एलन की, तो इसका साइज जो है ना वो mm के अंदर होता है, इसलिए इसको 1 की एलन की, 2 की 3 की कहते हैं। जैसे मान लो कोई 4 की एलन की है तो उसका जो साइज़ होता है इसके ऊपर लिखा गया होता है, तो यहाँ पर जो है वो 4 mm की एलन की है, ये इसके अंदर ऊपर लिखा गया होता है साइज़। मैं आपको यहाँ पे एक बड़ी एलन की के ऊपर साइज़ दिखा देता हूँ कि कैसे लिखा होता है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, तो बड़े ध्यान से आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये देखिए ये इसका साइज़ जैसे यहाँ पे लिखा है, ये कंपनी का नाम है और ये यहाँ पे लिखा हुआ है 10 mm, तो ये 10 mm की जो है वो एलन की है, ठीक है। तो जो भी क्लैंपिंग मेथड है उन क्लैंपिंग मेथड को आपको समझना चाहिए। आपको यहाँ पर जो है वो मैंने एक वीडियो बनाया है, उसके अंदर मैंने सभी क्लैंपिंग मेथड जो है वो मैंने उसमें बताए गए हैं। एम क्लैंपिंग मेथड होता है और आपका पी क्लैंपिंग मेथड होता है जिसके अंदर आप लीवर एंड लॉक को यूज़ करते हैं। डबल क्लैंपिंग मेथड मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, स्क्रू से ओपन होने वाला एस क्लैंपिंग मेथड है, यहाँ पर एक मेरे पास में ये एक एम क्लैंपिंग मेथड भी है जिसके अंदर यहाँ पर मैंने WNMG इंसर्ट जो है वो मैंने लगाया हुआ है, ये आपका एम क्लैंपिंग मेथड है, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपका जो सिम है वो लगा होगा और इंसर्ट को जो है वो एम क्लैंपिंग मेथड के द्वारा जो है वो इसको क्लैंप किया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो आप लोगों को ये समझना होगा कि आपका राइट हैंड टूल कौन सा है, लेफ्ट हैंड टूल कौन सा है। तो यहाँ पर जिस के अंदर हमारा आर दिया जाता है, जैसे VTJNR, तो ये हमारा राइट हैंड टूल हो गया, ओके। और यहाँ पर आपको इस टूल होल्डर के अंदर दिया गया है VTJNL, लास्ट में L दिया गया है, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड टूल होगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन अगर आपको पता है तो आप मार्केट में आसानी से जो है वो आप ये जो टूल होल्डर है इसको आप आसानी से जो है वो आप मार्केट से खरीद सकते हो, ठीक है। तो आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है।
तो दोस्तों मेरे द्वारा आपको जो वीडियो बताया गया है, इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने आप लोगों को जो जानकारी दी है, जैसे टूल होल्डर है या फिर आपको जो है वो अलग अलग टाइप्स के यहाँ पर जो क्लैंपिंग मेथड मैंने बताए हैं टूल होल्डर के अंदर, एसेसरी क्या होती है उस एसेसरी के अंदर बारे में बताया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप जो वीडियो के ऊपर कमेंट करिए और वीडियो को अधिक से अधिक जो है वो शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।